हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में पहली वीडियो आपके पास पेश हो रही है और काफी बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड पेश हो रही है। और इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई थी, मार्केट में प्रेशर था तो इस शेयर में भी प्रेशर आया और दूसरे शेयर में भी प्रेशर था, बट यहाँ से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बेहतरीन एक रिजल्ट FIIs, DIIs एज वेल एज प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, लोगों से हिस्सेदारी यहाँ पर छिनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे और कैपिटल गुड्स जो चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है आजकल, कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स की जितनी भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे अच्छे भागते हुए दिखाई देंगे। तो उसी स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है HEG लिमिटेड। HEG लिमिटेड से रिलेटेड बातें करेंगे, बट बिफोर दैट HEG लिमिटेड में की रिलेटेड बातें करें, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर जो कि आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी हर एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर इस वीडियो को एंजॉय कर सके। और यहाँ पर प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करिए, दूसरी वीडियो जो डेली बेसिस पे बनाई जाती है, कल तीनों वीडियो बनाई थी, तीनों वीडियो यहाँ पर आज के शेयर भी ये भागते हुए दिखाई दी है। एज वेल एज यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है तो यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए। बेहतरीन किस तरीके से स्विंग ट्रेड में अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते हुए दिखाई देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HEG लिमिटेड से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे 52 वीक हाई 5 अक्टूबर को ये 2629 रुपए का शेयर चल रहा था, अभी की बात करें तो यहाँ पर 1600 रुपए के आसपास का शेयर है, तो लगभग यहाँ पर 1000 रुपए ये शेयर डाउन हो चुका है। तो 1000 रुपए शेयर डाउन हो चुका है और यहाँ पर 825 रुपए ये 52 वीक लो था। तो शेयर बीच में है, ना हाई पे है ना लो पे है, उसके बीच में यहाँ पर चल रहा है। 65% की आज की डेट में डिलीवरीज उठाई गई है जो कि एक अच्छी खासी डिलीवरीज मानी जाती है। इसके अलावा कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड देती है, 50 रुपए 25 रुपए, इस बार थोड़ा सा कम दिया है बट इस बार कंपनी के रिजल्ट अच्छा है। बाईबैक कंपनी करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट देखे तो 55% की यहाँ पर शेयर किसके पास है, प्रमोटर्स के पास, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है और ये 55 भी नहीं है, ये लगभग 59% के आसपास है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया 1994 में 1:1 का बोनस। राइट इशू कंपनी लाती रहती है, बायबैक कंपनी लाती रहती है, डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है। तो ये सारी की सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर इस कंपनी को अच्छा बनाते हैं। कंपनी करती क्या है HEG लिमिटेड, तो देखिए पहले ही वीडियो बनाई थी, तो अगर हम बात करें तो HEG लिमिटेड ग्राफिक इलेक्ट्रोड से रिलेटेड काम करती हुई दिखाई देती है। तो अगर बात करें, इंडिया इज लीडिंग ग्राफिक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर, इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बात इंडिया की नहीं हो रही, वर्ल्ड की भी हो रही है कि वर्ल्ड में भी ये एकदम नंबर एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट है। इसके अलावा प्रोसेस सोफिस्टिकेटेड UHP अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड, जिसका यूज हमारा अगर बात करें कार्स वगैरह व्हीकल्स में यूज होता हुआ दिखाई देता है। इट इज अ प्रीमियर कंपनी ऑफ द LNG बिलवारी ग्रुप, तो यहाँ पर बिलवारी ग्रुप का ये पर्टिकुलर शेयर है। यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देते हैं। एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं, HEG एक कंपनी है, इसके बाद इनका ये प्लांट है, और भी कुछ चीजें देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। ये सब चीज यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ और चीजें देखेंगे तो देखिए पावर डिवीजन सेक्टर एज वेल एज ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्बन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ये बनाने में कंपनी माहिर है। इनके अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके क्लाइंट, तो देखिए जितनी भी स्टील कंपनी है, क्योंकि स्टील में ही इनका ज्यादा यूज होता हुआ दिखाई देता है, चाहे JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, JSL स्टील हो, जिंदल स्टील हो, यहाँ पर जितनी भी कतार स्टील हो, बाहर की कंपनीज, तो जितनी भी स्टील की कंपनीज है सारी की सारी यहाँ पर इनके क्या है, इनके क्लाइंट है। और छोटे मोटे नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट यहाँ पर नजर आते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन यहाँ पर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। ओके, और इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर प्लांट्स इनके पास है। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट यहाँ पर प्लांट इनके पास है। तो कंपनी एक बेहतरीन बड़ी कंपनी है और यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेक्टर में इनके एक्सपर्टीज है।
तो कंपनी काफी बेहतरीन है कहने की बात ही नहीं है, जो कि यहाँ पर इसके नंबर्स भी बता देंगे। मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए यहाँ पर मार्केट कैप 6,135 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी का मतलब क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनी जब भागती है तो 800 रुपए से शेयर किस तरीके से 2600 पे आया, 2600 से किस तरीके से अभी 1600 रुपए पे चल रहा है। तो ये इसकी अगर बात करें ये इसकी मूवमेंट रहती है, तो चीजें ऊपर नीचे यहाँ पर जाती रहती है, तो इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देखना बनता है। अगर बात करें शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 2600 से 1600 पे चल रहा है तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है तब जब इसके नंबर हाईएस्ट एवर आ रहे हैं। डेट की बात करें कंपनी 10% का डेट है। आरओसी आरओई नेगेटिव में है। ओके पी की बात करें 35% 35 के पी पे शेयर चल रहे हैं। ट्रू वैल्यू के आसपास यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से शेयर यहाँ पर पहले भागता हुआ दिखाई दिया, एक कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा 4000 4500 तक शेयर गया, पेंडेमिक में ये शेयर नीचे आया, फिर उसके बाद अच्छा खासा ये ऊपर गया और अभी दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो नंबर जब अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ और चीजें देखें, इनके कैपिटल गुड नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। कैपिटल गुड्स के जितने भी स्टॉक्स है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अब देखेंगे तो कंपनी के जो अभी रिजल्ट है ओके यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी अपने अगर हम देखें जो मार्च 2020 के बाद पहले जो कंपनी यहाँ पर अचीव कर रही थी उसके बाद यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर नंबर आना शुरू हो गए हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखें चाहे ईयरली बेसिस पे देखें, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 132 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी के नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं ओके, इस चीज को भी हमें देखना जो कि वॉलिटिलिटी यहाँ पर दिखाते हैं। एज वेल एज यहाँ पर देखें तो कंपनी के ईयरली क्वार्टरली बेस पे नंबर काफी अच्छे हैं। जब इसके नंबर आए थे तो इसके नंबर को अप्रिशिएट किया था मार्केट ने और 10% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था। बट उसके बाद ये कंटिन्यूस जैसे मार्केट में प्रेशर था तो इस शेयर में भी प्रेशर आया और ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसने बना लिया है, अपना बॉटम बना लिया और यहाँ से शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बात करें ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा मार्च तक चल रहा था। यहाँ पर पैंडमिक आया, पैंडमिक ने इसके बिजनेस को हैम्पर किया, बट अभी बात करें कंपनी दोबारा से धीरे धीरे यहाँ पर चलना शुरू कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है ये स्टील का ज्यादा यूज होता हुआ दिखाई देगा। जब स्टील का यूज होता हुआ दिखाई देगा तो ये पर्टिकुलर कंपनी जो कि लीडिंग है वर्ल्ड में, यहाँ पर इंडिया में भी लीडिंग है, तो यहाँ पर ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा और अच्छे खासे ये शेयर के नंबर के साथ में ये भागेगा। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का रिजर्व्स अच्छे खासे है, 3600 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर बोरिंग देख सकते हैं 382 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है मात्र, जो कि कभी 1300-1400 करोड़ की बोरिंग रहती थी वो कम होती दिखाई दे रही है। वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें 507 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर काम खर्चा कर रखा है और जब ये चीज यहाँ पर ऐड होती हुई दिखाई देगी तो इनके रेवेन्यू और सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा 1364 करोड़ का, कैश की बात करें 357 करोड़, जो भी पैसा आता है यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है। आरओसी आरओई यहाँ पर देख सकते हैं अभी नेगेटिव में चल रही है और बट यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.13 दिखा रहा है, बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि 59.62% की होल्डिंग थी, उसी के लगभग यहाँ पर होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए मकीमा कॉर्पोरेशन यहाँ पर 4.49% ये यहाँ पर क्या थे इनके प्रमोटर्स थे। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मकीमा 3.97 मतलब कुछ पॉइंट में कम करी है, बट 4% की हिस्सेदारी दोबारा यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो वही 59% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो थोड़ी सी हिस्सेदारी कम हुई है, ना के बराबर, पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो FIs देख सकते हैं। FIs कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर शेयर में माल उठा रहे हैं, 6% 6 से 9% किया, 9 से 11 से इस क्वार्टर में 14 कर दिया है। यहाँ पर DIs की बात करें, DIs यहाँ पर पॉइंट में बढ़ा रहे हैं बट फिर भी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 0.35 हुआ, 41 हुआ, 48 हुआ, 0.5 हुआ। अब बात करें पब्लिक की तो ऑब्वियसली बात है ये 21 में से अगर FIs ने उठाया है, DIs ने उठाया और बेचा किसी ने नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ से पब्लिक से माल उठाते हुए दिखाई दे रहा है, 4% यहाँ पर कम कर देंगे तो आपको दिखाई देगा लगभग 17% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर किसके पास दिखाई देती है, यहाँ पर पब्लिक के पास। तो पब्लिक से हिस्सेदारी जारी है, FISDIs यहाँ पर इसमें बुलिश है इस पर्टिकुलर शेयर सेक्टर पे, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर सूनर और लेटर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए हाईएस्ट एवर नंबर आने के बावजूद ओके ये शेयर पहले यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं
तो देखिए इसके जब नंबर आए थे, ये शेयर देखिए यहाँ पर ये अपना टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से एक लगातार यहाँ पर गिरावट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस 1524 के आसपास है, बट अगर गिरावट की फिर भी बात करें तो जो कि इस अगर हम देखें तो यही रेजिस्टेंस यहाँ पर कभी सपोर्ट हुआ करता था, अगर देखे दोनों जगह अपने यहाँ पर सपोर्ट हुआ करता था, तो यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से ऊपर जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर गिरावट होती है तो 200 रुपए की और ज्यादा गिरावट हो सकती है, बट उसके बाद चीजें यहाँ पर भागनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है, और रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा RSI की बात करें, 31 के RSI पे शेयर चल रहा है, तो शेयर काफी यहाँ पर नीचे आ चुका है, और जब चीजें नीचे आती है तभी आपको खरीदनी होती है, तभी आपका पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। कितने टारगेट यहाँ पर दिखाई देते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर दो चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस दोनों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर एक कप बनाने का दिया हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऊपर जाएगा तो हैंडल क्रिएट होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये टारगेट अचीव होंगे, और टारगेट अचीव होंगे तो कितने टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 42% ऊपर जाके अगर हम यहाँ पर इसे लगा देते हैं तो अच्छे खासे टारगेट 3300 रुपए के आसपास के आ रहे हैं, बट 3300 रुपए के आस टारगेट से पहले यहाँ पर ये लेवल यहाँ पर अचीव करेगा, उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले टारगेट यहाँ पर 44% के है, जो कि 2300 रुपए तक का यहाँ पर अपसाइड है, जो कि जाता हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको मतलब 6 महीने के अंदर अंदर अचीव हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था 52 वीक हाई, तो यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 60% है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरे 100% 105% तक के यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 44, 60 और यहाँ पर 106% के यहाँ पर टारगेट दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका और बड़ा चार्ट पैटर्न है, बट उसके लिए नंबर भी उसी तरीके से पेश होने चाहिए। अगर नंबर पेश हुए उसी तरीके से, कंपनी ने अच्छे खासे नंबर पेश कर दिए, कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये चार्ट पैटर्न बनेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक कप बनाया, कप बनाने के बाद ये शेयर ने फिर हैंडल बनाया, हैंडल बना के फिर दोबारा ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टारगेट की, तो इसका टारगेट फिर और ज्यादा ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, कितना आता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रखेंगे इसे तो ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रीवियस हाई इसका कितना था उसी के आसपास 4700 रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी अपसाइड है। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल जा सकता है, एक बार वॉल्यूम आना शुरू हुए, एक बार FIs दोबारा यहाँ पर एंट्री जब लेंगे तो ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नंबर अच्छे खासे, और इस बार के नंबर भी मुझे लगता है कि अच्छे खासे आएंगे, और अच्छे खासे नंबर आएंगे तो ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। तो इस पे पोजिशन बनाना शुरू कर दीजिए, अच्छा खासा शेयर है, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, जितना हो सके सपोर्ट करना है, हमसे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।